नमस्कार आज स्पेशल रिपोर्ट को आपन को स्वागत करुछी मु स्वागतिका दीर्घ दिन हला चलीथिला विवाद क्षमता पई कैप्टेन एवं क्रिकेटर को मधरे कळी शेषरे क्रिकेटर को चक्र बिहरे फसी गले कैप्टेन इस्तफा देले आउ एथि सहित पंजाब कांग्रेस रे चलीथिबा कंदळ रे आसिला नुआ बडो मात्र 48 घंटा भितरे पंजाब रे होई जाई छी राजनीतिक भूस्खलन अनेक किछ एपट सेपट होई जाई छी मुख्यमंत्री पदरु कैप्टेन अमरिंदर सिंह इस्तफा देबा परे समस्त आशा करथुले तांकर प्रतिद्वंदी सिद्धू को ही मिल पंजाब गादी किंतु एथिरे भी आसला ट्विस्ट सिद्धू को बदल रे नुआ चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी नेले मुख्यमंत्री भाव रे शपथ तबे कौन एठी पंजाब कांग्रेस रे खेल सरी गला ना ये आउ एक नुआ खेल आरंभ ए प्रसंग रे देखिबा आज रो स्पेशल रिपोर्ट जड़े दलित पंजाब नुआ मुख्यमंत्री करी कांग्रेस दृष्टिकोण खूब गुरुत्वपूर्ण किंतु आगामी निर्वाचन पर सिद्धू को चेहरा करा नहीं जोर धरी राजनीति दलियों नेता सुनील जाखड प्रश्न उठाई विरोधी माने भी आक्रमण करिबारु पछाइले नहीं यूपी में दलित वे अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में ये लोग अब जल्दी से उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जने दलित सिख को मुख्यमंत्री पद देला कांग्रेस कैप्टेन अमरिंदर ठारु प्रतिशोध नेले क्रिकेटर सिद्धू पद छाड़िले किंतु सहजरे छाड़िले नि अमरिंदर सिद्धू को भी सीएम हेबा को देले नाही कैप्टेन पंजाब रे मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ओपीसीसी सभापति नवजोत सिंह सिद्धू को मध्य रे चलीथिबा विवाद रे आसिला नुआ मोड़ मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देले कैप्टेन आउ दुई दिन भितरे नुआ मुख्यमंत्री भावरे शपथ निले चरणजीत सिंह चन्नी एमिति एक गोटी चलाई दलरे थिबा विवाद दूर करबा को चेष्टा कले कांग्रेस हाईकमांड बहुत जरूरी है किसाना दा खेतां दी बिजली माफ रहे किसान नु लोड है लेकिन एक मोटर गरीबां नु पानी पिंड दे लोकां नु पानी भी दिंदी है वो भी माफ होनी चाहिदी है गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच ओ मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा दस दस लाख रुपये दे बिल खड़े है भी भी लाख दे पंजाह पंजाह लाख दे सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज्जी मीटिंग दे विच गरीबां नूं बोले सो निहाल किंतु एबे भी एही प्रसंग रे रहि छि अनेक जख्य प्रश्न कोन प्रकृत रे पंजाब कांग्रेस रे जे संकट थिला ताहा शेष होय गला समस्तंकर मनस्कामना कोन पूर्ण होय गला कोन पार्टी रे चलुथिबा विवाद रो अंत होय गला सिद्धू कैप्टेन को पारस्परिक मनांतर फलाफल हला पंजाब को मिलला नुआ मुख्यमंत्री ताहा पुणी प्रथम दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस बालांसिंग फॉर्मूला अपनाइला जणे दलित सह सिख संप्रदाय को मध्य ध्यान रे रखिला आ नाम रे मोहर बाजीबा क्षणी चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ग्रहण कले मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखागा कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण निभावगा किंतु शपथ ग्रहण समारोह ठीक पूर्व सब किछि ठीक ठाक प्रश्नर गोटे उत्तर मिलला मुख्यमंत्री पदर दौड़ रे सबठू आगुआ थिबा सुनील जाखड़ंकर गोटे ट्वीट कांग्रेस रो अंतकंदळर आउ गोटे झलक भी उपस्थापन कला सुनील जाखड़ प्रदेश प्रभारी हरीश रावतंकर गोटे बयान उपरे प्रश्न उठाइले से ट्वीट कले श्री चरणजीत सिंह मुख्यमंत्री रूपरे शपथ ग्रहण दिन श्री रावतंकर एही बयान जे आगामी निर्वाचन सिद्धूंक नेतृत्व रे लढा जिवो
ताहा चकित करबा अपरि एहा द्वारा केवल मुख्यमंत्री शक्ति कम हेबो ताहा नुहे बरं एहि पद पई तांकर चयनर दाबी को मध्य व्यर्थ प्रमाणित करदेबो। एबे शुणंतु कांग्रेस रो पंजाब प्रभारी हरीश रावतंकर सही बयान जहां एहि प्रश्नर उत्तर रे आसीथिला जे पंजाब रे आगामी निर्वाचन रे कांग्रेस रो चेहरा के हेबो। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम उनको सामने रख करके उनके चेहरे उनके नेतृत्व में सब सारी जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे सब लोग होंगे आगे बढ़ेंगे चुनाव में रहेंगे। सुनील जाखड़ यही बयान ऊपर प्रश्न उठाउछंती जे आगामी विधानसभा निर्वाचन रे यदि चेहरा सिद्धू हेबे तबे दलित मुख्यमंत्री भाबे चन्नी को गादी रे बसाई कांग्रेस हाईकमांड एहा को ऐतिहासिक निष्पत्ति कहउछंती केमिति। जाखड़ों यही बयान को नहीं बीजेपी कांग्रेस को घेरिला। दलय नेता अमित मालवीय हरीश रावत बयान को दलितंकर सबुठारु बड़ अपमान कहले। से ट्वीट कले एहा संपूर्ण दलित संप्रदायर बहुत बड़ अपमान, यदि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री करा जायछि तबे केवल सही नवजोत सिंह सिद्धू को आसीबा पर्यंत गादी संभालिबा पई से गांधी परिवार एकांत अनुगत ये दलितंक सशक्तिकरण नै सही प्रचार को संपूर्ण भाबे बेनकाब करूछि जहां कांग्रेस करूछि लज्जाजनक। एहि प्रसंगरे अकाली दल भी आक्रमण करिवार सुजोग हाथ छड़ा कला नहीं। पार्टी कांग्रेस नेतृत्व को पचारिला कौन कांग्रेस चन्नी को 2022 निर्वाचन रो चेहरा करिवो। सेपटे बीएसपी सुप्रीमो मायावती मध्य कांग्रेस को एही प्रसंगरे घेरिले। ये जो जातिवादी पार्टियां हैं चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है या अन्य जो भी जातिवादी पार्टियां हैं आज जो कुछ भी थोड़ा घना इनको दे रही है केवल वो अपने स्वार्थ में अपने वोट के खातिर ना कि इनके समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दे रही है। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है चाहे यूपी में दलित व अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं चाहे पंजाब में या देश के अन्य किसी भी राज्य में ये लोग अब जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। सुनील जाखड़ हरीश रावत विरोध में बयान को नहीं विरोधी प्रश्न उठाइले तबे कांग्रेस नेता पाखरे यार कौन संतोषजनक उत्तर नहीं। हरीश रावत का फैसला नहीं गा फैसला सोनिया गांधी का फैसला राहुल गांधी का किंदू प्रांत नहीं करना अर्थात जो दलित गोटी चलाई कांग्रेस हाईकमांड सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टेन अमरिंदर सिंह को साइट कले एवं से ही गोटी माध्यम रे सुनील जाखड़ कांग्रेस हाईकमांड को घेरुछंती। सुनील जाखड़ भी सीएम दौड़ में आगुआ थे किंतु अणशीख हेबा विरोध है गला। सवाल नहीं है वो चिंता व्यक्त की है मैंने। आपको लगता है रॉन्ग चॉइस है जो की गई इन टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं साहब, ही हैज हैंडल्ड हिमसेल्फ मैग्निफिसेंटली वेल एज ए सीएलपी लीडर और उनका काम बतौर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे शलाघा योग्य रहा है। सो व्हाई एनीबडी शुड आस्क दिस क्वेश्चन। आपको लगता है अगला चेहरा वही होना चाहिए 2022 में भी? अगला चेहरा जो होगा नहीं होगा वो प्रेरोगेटिव हाई कमांड का है। परंतु आज अगर मुख्यमंत्री की पद पे बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ दिस। जो मिठी मिठी गल आज हुई है तुसी उद्दी आनंद लो जी। सूत्र अनुसार सिख बनाम हिंदू विवाद सामना को आसीबा पूर्वरु कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पसंद थिले पंजाब कांग्रेस रो पूर्वतन अध्यक्ष सुनील जाखड़। तबे नवजोत सिंह सिद्धू जाखड़ को नाम को नहीं राजी नथिले। जाखड़ को नाम को वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी मध्य कड़ा विरोध करुथिले। अंबिका सोनी सुखजिंदर सिंह रांधवां को पई बैटिंग करुथिले। सूत्र मिलिथिबा खबर अनुसार सिद्धू रांधवां को नारो मध्य विरोध करुथिले। एमितरे कांग्रेस चन्नी को दलित मुख्यमंत्री करी इतिहास रचिबा को घोषणा कला किंतु सुनील जाखड़ पुणि ट्वीट माध्यम रे कांग्रेस रो भितरी कंदळ को पुणि उजागर करि देले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सिद्धू एवं कैप्टन को बधरे विवाद नुआ नुहे पूर्वर अनेक थर इमान को कंदळ चरम रूप नैथिला। दलय हाईकमांड को हस्तक्षेप परे मामला शांत पडुथिला। कौनसी मते सिद्धूं ऊपर भारी पड़ुते कैप्टेन किंतु एथर एमती कौन है जे आउ तिष्ठि पारे कैप्टेन आउ मुख्यमंत्री पदरू आउट होगा पड़ा।
क्रिकेटर का बॉल रे कैप्टन आउट। पंजाब कांग्रेस कंदोल रे नुआ ट्विस्ट। अमरिंदर आउट चरण जितिन। समाधान कले ना अधिक फसिले कांग्रेस हाईकमान। शनिवार पंजाब कांग्रेस लड़ी में आसला नुआ ट्विस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चंडीगढ़ दिल्ली जाए हेला होइचोई। कांग्रेस हाईकमांड मुंडरे पड़ला चड़क कारण पंजाब रे कांग्रेस सबुठ मजबूत कहुवा दुर्गर कांथ सुखुली जाता क्रिज छाड़देले कैप्टेन अमरिंदर सिंह विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू गेम एत शक्तिशाली सब्यस्त होगा जे कांग्रेस हाईकमांड को रनआउट होगा भली परिस्थिति सृष्टि। सूत्र अनुसार विधायक दल बैठक में कैप्टेन विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आणवा नहीं चली प्रस्तुति। सिद्धू समर्थक प्राय 40 जन विधायक कैबिनेट मंत्री तृप्त रंजन सिंह बाजवा नेतृत्व में हाईकमांड को चिठी लिखि खूब शीघ्र विधायक दल बैठक डाकवाई दावी करते। विधायकों चिठी को आधार कर हाईकमांड राज्य प्रभारी हरीश रावत और अजय माकन को चंडीगढ़ पठाइले। केवल एति नुहे कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी निर्देश में विधायक दल बैठक भी डकागला। यह सत्वे दुई गोष्ठी समर्थक निज निज हक खोलाखोली भाव परस्पर विरोध करुले जहाँकि राज्य कांग्रेस कूड़ा कंदल को तीव्र कर शेष बलि पड़े मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। कैप्टेन और बैट्समैन मध्य गत किस लगि रही बद दुईज निज निजर दाबी नहीं अनेक थर कांग्रेस हाईकमांड आगे हाजर होते जितेबाला सिद्धू और अमरिंदर मध्य कटु बयानबाजी है से बद अधिक घनईला। बद ब्रेक देवाक कांग्रेस हाईकमांड हरीश रावतों पर न्यस्त करते गुरुदायित्व से उभय नेता पृथक आलोचना भी करते तेरे सबू भितर पंजाब आउ जड़े नेता सुनील जाखड़ों एक ट्वीट राज्य कांग्रेस रे बड़ परिवर्तन रो संभावना को अधिक बढ़ाई। ट्वीट रे समस्या और समाधान विषय उल्लेख होता। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ निज ट्वीट रे लिखिथिले राहुल गांधी को धन्यवाद जे पंजाब रे चलिथिबा विवाद रो एका थरके समाधान बाहर करिछि। बड़ निष्पत्ति पंजाब कांग्रेस रो केवल द्विधा दूर करिछि ताहा नुहे बरं कांग्रेस कर्मकर्ताक मध्य जोश भी भरी देछि। सेपटे ही निष्पत्ति अकाली दल होश भी उड़ाई देछि। यह भितर नवजोत सिंह सिद्धू परामर्शदाता मोहम्मद मुस्ताफा ट्विट भी सामना को आसला। से लिखिथिले 2017 में पंजाब आमको 80 विधायक देला किंतु दुखर कथा कांग्रेस दल एक भल मुख्यमंत्री पंजाब को दे पारा ना। 4.5 वर्षर लंबा अपेक्षा पर मिली जन को चयन करार सुजोग पंजाब दुख और कष्ट बुझार समय आसी कांग्रेस पुणी थे 5 वर्ष मुख्यमंत्री चयन करू। सेपटे कैप्टेन प्रेस सेक्रेटरी विमल सुंगले भी एक ट्वीट सामना को आसला जो थे से लिखिथिले जदि कहीं आपण को धोखा दे आश्चर्यचकित करपण को भी से ही व्यक्ति को सठिक उत्तर दे आश्चर्य करार अधिकार अच्छी। दुई गोष्ठी मध्य चली ट्वीट लड़ी पूरा मामलार चित्र ही बदल। या भितर कांग्रेस हाईकमांड पंजाब कांग्रेस रे सृष्टि होता फाट लुचाइवा निजर शेष प्रयास को अंतिम रूप दे। कैप्टेन को विकेट पतन तो है सामयिक भाव पंजाब कांग्रेस रे जारी रही झड़ भी प्रशमित तो होगा किंतु क्रिज रे फेल मारी कैप्टेन पैविलियन रे की प्लान करुछंती समस्त नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। संदेह नहीं जे मुख्यमंत्री पदर कैप्टेन इस्तफा देवार कारण होती सिद्धू किंतु जीवा बड़े कैप्टेन सिद्धू को भी छाड़ी ना से सिद्धू पर एमती संगीन अभियोग लगती जहां विरोधी को बसी बसी कांग्रेस को घेरवा को अस्त्र। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है। अगर इसके बाद ना जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बयान आता है फिर मैं पूरी किताब लेके आपके सामने बैठूंगा। अगर इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुझे कह के दिखाई कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है फिर मैं आपको। पंजाब निर्वाचन रो ठीक पूर्वरु कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा एक कथा प्रमाणित कर देला जे कैप्टेन बनाम सिद्धू युद्ध रे पानी कैप्टेन को मुंड ऊपर को जाई सारी जहार फल होला
राजनीति में 40 वर्ष रु अधिक समय देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देवा पड़ा किंतु इस्तफार ठीक पर न्यूज 18 को देखा इंटरव्यू में से सिद्धू को ऊपर सबुठ बड़ आक्रमण करदे के खिलाफ इतना माहौल क्यों बनाया गया कि आप बादलों पर एक्शन नहीं लेते इनमें से पूछो कौन नहीं बनना चाहता सभी उन्होंने शुरुआत की ऐसी कि हम में से कोई बन जाए और बन को वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे इसलिए आपके नेचुरली ये तो गेम काफी देर से चल रही है ना ये जो दिल्ली वाली भी गेम थी यही थी नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री मानते हैं बाबा या फिर सुनील जाखड़ को सुनील जाखड़ आपके आई विल नॉट अग्री विद नवजोत सिंह सिद्धू एज मुख्यमंत्री ही इज अ टोटल डिजास्टर एक मेरे एक मिनिस्टर था अब एक मिनिस्ट्री चला नहीं सकी अब पूरा पंजाब चलाएगा क्या बेड़ा गर्क कर दिया था और सारे पंजाब को कराना चाहता हूँ आई विल नेवर एक्सेप्ट नवजोत सिंह को ऊपर एजाए सबुठारु बड़ राजनीतिक आक्रमण एणु सिद्धूंक परामर्शदाता मोहम्मद मुस्ताफा सामनाकु आसिले से कैप्टेन को आक्रमण जवाब दे प्रश्न कले जदि इमरान सह छिड़ा हेबा देशद्रोह तबे कैप्टेन 14 वर्ष जाए कहाँ सह रहिथिले नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी हो सकता है वो देश विरोधी नहीं है वो देशभक्त है देशभक्त परिवार से आता है अगर इमरान खान से मीटिंग करना इस बात का सबूत है कि आप एंटी नेशनल हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह 14 साल किसके साथ रहा है पाकिस्तानी पंजाब का पूरा टब्बर खानदान दो बार आके महल में रहा है दोनों परिवारों ने खाने बनाए खिलाए हैं वो देशभक्ति थी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया चंडीगढ़ दिल्ली पर्यंत लंबी थिला नाटक ये थरे दुई थर नुहे गत किछि वर्ष भितरे बारंबार कैप्टेन एवं क्रिकेटर को गली पंजाब कांग्रेस रे विवादर समाधान करबा कांग्रेस हाईकमान को पई भी पलटी थिला मुंडबिंधर कारण मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई पर आई फील ह्यूमिलिएटेड चीफ मिनिस्टर शर्फ से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दे राजनीति रे विद्रोह एमिति हुए नहीं केउठी ना केउठी कोनोसी कारण तो निश्चय थाए जहां राजनीतिक संपर्क ऊपर भारी पड़े पंजाब कांग्रेस रो एबरो घटनाक्रम बुझिबा को आमको एही विवादर मूल जाय जिबाकु हेबो जहाँ गत किछि दिन हला कैप्टेन बनाम सिद्धूंक भितरे चालुथिबा राजनीतिक युद्ध रे कांग्रेस को फसाई रखिछि बेस किछि मास हला कांग्रेस कलह शांत करबाकु दिल्ली दरबार रे तमाम उद्यम करा गला केतेबेले नवजोत सिंह सिद्धूंकु कैप्टेन को विरोध रे असंतोष को नै प्रियंका और राहुल गांधीकु भेटिबाकु पड़िला तो केतेबेले कैप्टेन को निज कथा रखिबाकु सोनिया गांधीकु आवाज जाय धैबाकु हला किंतु सब साक्षात सब कथा बिना कौनसी फलाफल रे शेष होउथला कांग्रेस हाईकमान ने बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह को विश्वास में लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली तलब किया गया था उससे कैप्टन कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह आसानी से लड़ाई हारने वाले नेताओं में से नहीं है कथाला सिद्धू जे बेठरु कांग्रेस रे जोग देले ता परठरु पंजाब कांग्रेस रे निजोकु सिद्धू कैप्टन को सह समान करबा को लागिथिले यार कारण बिथला गांधी परिवार सिद्धू को बहुत थर साक्षात परे तंकु दल रे डायरेक्ट एंट्री कराइथिले या भितरे सिद्धू और कैप्टन को भितरे मात्र गोटे थर साक्षात होइथला जेतेबेले कि गांधी परिवार भिन्न भिन्न सदस्य को सिद्धू सात थर साक्षात करथिले एक कारण रु कैप्टन को कैबिनेट रे सिद्धू को महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया गला किंतु पारस्परिक विवाद जोगु सिद्धू 2019 रे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैबिनेट रु इस्तीफा देले 2021 मे 21 रे झगड़ा अधिक बढ़ी गला जेतेबेले नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधा चैलेंज देले सिद्धू कहले से प्रमाण करंतु केबे अन्य पार्टी नेता को भेटिथिले सिद्धू और कैप्टन को भितरे विवाद रो ये तो छोटो अंश थिला आगो कुआ सिद्धू कैप्टन सरकार को घेरबार कोनोसी सुजोग हाथ छोड़ा कले नाही कैप्टन को विरोध रे मोर्चा खोली सिद्धू गुरुग्रंथ साहिब को सम्मान प्रसंग उठाइले निर्वाचन प्रतिश्रुति पूर्ण न करबा नै कैप्टन सरकार को घेरिले बादल परिवार सह सला सूत्र अभियोग लगाइले बिजुली बिल प्रसंग रे कैप्टन को ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण
सिद्धू को बुझाइबा को भी अनेक उद्यम करा गला, किंतु कैप्टन को विरोध रे सिद्धू को आभिमुख्य केबे भी नर मिला नहीं। यह सत्वे विवाद रो समाधान पई सिद्धू को निर्वाचन रो ठीक पूर्वरु पंजाब कांग्रेस रो अध्यक्ष करा गला। ताको सह चारि जण कार्यकारी अध्यक्ष भी करा गले, किंतु एठी भी तांकर राजनीतिक कदम सेतबेले देखबा को मिलला, जेतबेले से स्पष्ट कहिदेले जे जदि तांको निष्पत्ति नेबा को दिया जीव नाही तबे से कड़ा जवाब देबे। पंजाब कांग्रेस रे समस्या रो समय सेतिक बेले आसिला जेतबेले विधानसभा निर्वाचन को अब मात्र 6 मास समय भी बाकी नाही। जिस प्रकार से सिद्धू और कैप्टन के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसका कहीं न कहीं नुकसान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस हाईकमान के कई बार हस्तक्षेप के बावजूद भी दोनों के बीच बने मतभेद को खत्म नहीं किया जा सका। दोनों के बीच बने हुए मतभेद का फायदा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। स्वाभाविक कथा, पंजाब कांग्रेस रे जारी हंगामा केवल विरोधी को लाभ देव ता नुहे, बरंग पंजाब रे कांग्रेस रो राजनीतिक भविष्य भी प्रश्न घेर को आसी जाय छी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।